दोस्तों पहले साल 1999, फिर 2003 और उसके बाद 2007 में भी विश्व कप जीतने के इरादे से ऑस्ट्रेलियन टीम उतरी थी, लेकिन इस बार फाइनल में उनका सामना होना था श्रीलंका के लायंस से। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने कुछ चमत्कार किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और बोर्ड पे टांग दिया 281 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, जिसका श्रेय जाता है एडम गिलक्रिस्ट को, जिन्होंने खेली 149 रनों की शानदार पारी। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 8 छक्के लगाए। बारिश से बाधित मैच में श्रीलंका टीम हार गई और विश्व कप गया ऑस्ट्रेलियन टीम को। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया एडम गिलक्रिस्ट को। जब एडम से ये सवाल पूछा गया कि आपने इतनी शानदार पारी कैसे खेली, तो उन्होंने एक ट्रिक बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो मैंने एक स्क्वॉश की गेंद अपने लेफ्ट हैंड के ग्लव्स में रख ली थी। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि उस स्क्वॉश गेंद ने उनकी लेफ्ट बॉटम हैंड की मूवमेंट को काफी ज्यादा तेज कर दिया, जिस वजह से उन्होंने ग्राउंड के चारों कोनों में गेंदबाजों की पिटाई की। एडम गिलक्रिस्ट ने जो भी किया वो सब सही था या फिर गलत, कमेंट सेक्शन में आप बताइए।